Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से पूर्व विधायक और बाहुबली कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी पर लगातार शिकंजा कस रहा है, मुख्तार अंसारी के अवैध संपत्तियों पर योगी सरकार का लगातार बुलडोजर चलता नजर आ रहा है। लेकिन इस कड़ी में मुख्तार अंसारी के वकील ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया है जिसके चलते मुख्तार की मुश्किलें तो और भी बढ़ गई है, साथ में जो उनके वकील दरोगा प्रसाद हैं उनकी भी मुश्किल काफी ज्यादा बढ़ गई है और 10 धाराओं में उन पर मामला दर्ज हो गया है। पूरा मामला क्या है, पूरी जानकारी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों, बात करें तो यूपी के बड़े माफिया में शामिल पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी फिलहाल बांदा जेल में बंद है। अब अंसारी के एडवोकेट यानी कि वकील दरोगा सिंह पर भी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। अधिवक्ता दरोगा सिंह पर आरोप लगा है कि जमीन के पैमाइश के दौरान राजस्व विभाग की टीम से उन्होंने अभद्रता दी और दबंगई दिखाई। जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो जिले के अधिकारियों ने इसका संज्ञान लिया और दरोगा सिंह के खिलाफ केस फाइल कर दिया। गौरतलब है कि वायरल वीडियो किन्नूपुर का है। 3 दिन पहले ही यहां पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद आला अधिकारियों के साथ रात में प्रवास पर निकले थे। इस दौरान मंत्री ने बिजली और रास्ते की व्यवस्था खराब देखी और नाराजगी जताई। इसके बाद पता चला कि रास्ता तो है लेकिन वहां दबंगों के कब्जों में है, बिजली के खंभे भी लगे हैं लेकिन तार नहीं लगी है। यह सुनने के बाद मंत्री निषाद ने अधिकारियों को साफ कहा कि अगली समीक्षा से पहले इन सभी समस्याओं का निस्तारण हो जाना चाहिए। मंत्री के निर्देश के बाद राजस्व विभाग की टीम गांव की पैमाइश में लग गए। मालूम हुआ कि जिस रास्ते पर दबंगों का कब्जा था वह मुख्तार अंसारी के एडवोकेट दरोगा सिंह हैं। जब राजस्व की टीम ने एक्शन लेना शुरू किया तो खबर दबंगों तक पहुंची। इसके बाद उन्होंने सैकड़ों लोगों के बीच खड़े होकर सरकारी राजस्व कर्मियों को धमकाते और जज को अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इस दौरान ग्रामीण ने पूरा वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है। 10 से ज्यादा धाराओं में उन पर केस दर्ज हो गया है। वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन इसका संज्ञान लिया और फिर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। इसके बाद कानून को राजेश सिंह द्वारा सराय लखनसी थाने से इसको लेकर तहरीर दी गई। वकील दरोगा सिंह के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया। अब पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मामले से कड़ी कार्रवाई होगी और 10 धाराओं में जिस तरीके से मामला दर्ज हुआ है उसको लेकर उनके वकील की मुश्किल तो बढ़ेगी, साथ में मुख्तार अंसारी के मामले में भी असर पड़ेगा और हो सकता है कि मुख्तार अंसारी की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आए। खैर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.